अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं जी जफ़र और आप देख रहे हैं जफ़र खान व्लॉग चैनल। मैं हूं जी चाइना की सिटी शियान। ये वो सिटी है जिसे मुसलमानों का घर कहा जाता है। यहाँ पे 60,000 मुसलमान आबाद हैं। तो जो रमज़ान की आमद है और हमने जाना है रमज़ान बाज़ार में। मैं चलता हूँ रमज़ान बाज़ार में और दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कि कौन कौन सी चीज़ें आसानी के साथ मिल जाती हैं। लेकिन ये वही बाज़ार है जिधर हमने पिछले साल वीडियो बनाई थी। तो अगर हमने ये देखना है कि आया एक साल के अंदर कीमतों में कितना फ़र्क आया है, तो लास्ट ईयर की वीडियो को जो है मैं इस वीडियो के लास्ट पे शेयर कर दूंगा। ज़रूर देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि एक साल के अंदर चाइना के अंदर कीमतों में क्या फ़र्क आया। तो चलते हैं जी रमज़ान बाज़ार में, लेट्स गो देयर। आपको बताइए कि रमजान जो है, रमजान की आमद है। ओके, सीसी और ये गाइस आपके सामने है जी रमज़ान बाज़ार। और मैंने जो है अभी जो है उस दुकान से कीमा बाय किया है, ठीक है ना। और अब मुझे बाय करने हैं दही बड़े। तो ये आपके सामने दुकान है छिंचन, इसका मतलब है हलाल शॉप है ये। इनसे बाय करते हैं दही बड़े। तो ये पड़े हुए हैं जी दही बड़े, और इन्होंने हमें बताया है जी कि आधा किलो जो है ये अपना 15 युआन के हैं, 15 रुपये के हैं। चुचु नहीं हाँ नहीं नीला आई जिन लाई जिन इन्हें कहीं मैंने क्या दिया क्या दख। वालेकुम अस्सलाम, पाकिस्तान पाकिस्तान। क्योंकि रमजान के ऊपर जो है ना वो दही भले जो है अफतारी के वक्त जो है वो खाएं तो क्या बात है यार। और स्पेशली रान साहब जो है उनको तो बहुत पसंद है ना। हलो, और यहाँ पे है जी फ्रूट शॉप्स, और ये पड़े हैं मैंगो। हेलो नी हाँ मांगकुआ इचिन तो शाओ छियन छी ख्वाए चो छी तियन चो। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे 7.9 के ना आधा किलो हैं। चाइना में जो कोई भी चीज़ है ना वो आधा किलो के हिसाब से सेल होती है। और स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई है यहाँ पे। कि जी अफतारी में जो है ना मुझे मिल्क शेक पीने का जो है ना बहुत ज्यादा शौक है, उसके लिए मैंने ये ना बाय कर लिए। लाई जगह ना और गाइस फाइनली जो है मैं अपनी फेवरेट शॉप पे आ चुका हूँ। मुझे खरीदनी है खजूरें, और खजूरों के बगैर जो है ना अफतारी थोड़ी सी अधूरी अधूरी है। तो मेरे पीछे है जी खजूरों की शॉप। तो दिखाता हूँ मैं आज इनके पास कितनी किस्म की खजूरें पड़ी हैं और कौन कौन सी खजूरें हैं। और यहाँ पे अजी मैंने खजूरें बाय करनी हैं। ये इनके पास पड़ी हैं डेट्स पड़ी हुई हैं डिफरेंट काइंड्स की, ये पड़ी हैं और ये है, और यहाँ पे ये पड़ी हैं। चिका ईपाओ श्री खुआमा। इनका रेट जो है ना वो पिछले साल का रेट सेम रेट है, यानी इस साल भी जो है ये अपना 10 रुपये का पैकेट है। पिछले साल भी ये 10 रुपये का पैकेट ही था। तो मुझे तो अपना यही अच्छी लगती है क्योंकि ये अच्छी ज़्यादा टेस्ट इनका अच्छा होता है। यहाँ पे हैं, और यहाँ पे इमली भी पड़ी हुई है, सूखी इमली पड़ी हुई है। हाउ लाए चगा सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। और
ये है जी, यहाँ पे जी हमारे इमाम साहब उनके सिस्टर्स हैं, इनसे रमजान बाजार का, रमजान का सॉरी, अपना कैलेंडर लेते हैं। When will start the Ramzan? Next week? Let me see. Here's 24 May. 24, not 23? 23 get up. Oh. 24 is the first one. ओह 24 इज़ द फर्स्ट वन। सो जो पहला रोज़ा जो है वो 24 तारीख को है, ये हमें बता रही हैं। और हमें इन्होंने गिफ्ट में कैलेंडर ये जो भी दिया है, इसमें इनके ये चार्ट दिया है ना, रमज़ान चार्ट, अफ्तार और सहर का टाइम लिखा है इसके ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर योर, थैंक यू सो मच। गाइज मैं आ गया हूँ जी चाइना की जामिया मस्जिद के अंदर, क्योंकि नमाज मगरब का टाइम होने वाला है। वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। लेकिन अगर आपने मेरी पिछले साल की रमज़ान बाज़ार की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे वीडियो आ रही है, वॉच कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि पिछले साल रमज़ान बाज़ार में इस साल एक साल के अंदर कीमतों में कितना फ़र्क आया। क्योंकि हमने सेम वीडियो सेम बाज़ार के अंदर सेम चीज़ें खरीदी हैं, जानबूझकर खरीदी हैं, ताकि ये आइडिया हो जाए कि एक साल के अंदर चाइना में कितनी महंगाई हुई है। क्योंकि हर तरफ महंगाई का शोर है जी, ये हो गया वो हो गया, आपको जो आइडिया हो जाएगा कि आया कितना जो है ना महंगाई में कितना फ़र्क हुआ है, आया हुआ भी है या नहीं। तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना है जी कितना फ़र्क हुआ है। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो जो है बहुत अमेजिंग होने वाली है। रमज़ान की वीडियो होंगी, तरावी की वीडियो होंगी, ईद उल फितर की वीडियो होगी, इंशाल्लाह ताला आपको सब कुछ मैं दिखाऊंगा। एवरीथिंग आई विल बी शो ऑन यूट्यूब। सो बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, और चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।